हेलो एवरीवन, आज हमने हार्ड डिस्क के बारे में प्रैक्टिकल किया। ये हमारी हार्ड डिस्क है और ये जो है फर्स्ट जो हार्ड डिस्क है हमारी वो 1956 यानी 1956 में बनी थी और ये IBM के द्वारा डेवलप की गई थी। हार्ड डिस्क को परमानेंट डाटा स्टोरेज कहते हैं, इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। और हार्ड डिस्क दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो हमारे मेमोरी सिस्टम में लगती है और जो एक्सटर्नल होती है वो हार्ड डिस्क हमारी बाहर होती है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बढ़ जाती है। ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और ये हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क है। इसमें हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर में इसको यूज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये मैग्नेटिक प्लेट होती है और ये इक्वेटर आर्म होता है। ये घूमती है तब इसमें मेमोरी सेव हो जाती है और ये सेक्टर्स और ट्रैक में मेमोरी हमारी सेव हो जाती है।